4 अक्टूबर को जयपुर में बीजेपी के संकल्प पत्र आपनो राजस्थान सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान की लॉन्चिंग बिरला ऑडिटोरियम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा की गई। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बटन दबाकर संकल्प गीत लॉन्च और मंत्रोच्चारण के साथ सुझाव पेटिका में लोगों ने अपनी कीमती सुझाव पत्र डाले। इसके अलावा मिस्ड कॉल पोस्टर के विमोचन के बाद आकांक्षा पेटी रथों और बूथ विस्तारकों की बाइकों को हरी झंडी दिखाकर प्रदेश की 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनता को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, देखिए ये वीडियो। उनका मकसद है लूट, उनका मकसद है सरकार में आओ और लूटो, भ्रष्टाचार करो, भाई को भाई से लड़ाओ और जो तुष्टीकरण कर सकता है उसको तुष्टीकरण को आगे बढ़ाओ, ये उनका उद्देश्य रहा। लेकिन हमारा उद्देश्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, इनको ताकत देने का है और इनको मजबूती प्रदान करना। इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल पहुंचाना, ये सिर्फ पहुंचाना ही नहीं है, इसका फर्क ये पड़ा है कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड अब ये बोलता है, IMF बोलता है कि भारत की गरीबी 12% घट गई है और अति गरीबी 1% से भी कम आ गई है, ये बदलता भारत। प्रधानमंत्री आवास योजना, महिलाओं को उसकी ताकत देना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, सौभाग्य योजना, स्वच्छता अभियान, इज्जत घर देना, आपको मालूम है कितनी संख्या है इज्जत घर की? 12 करोड़। यानी 12 करोड़ बहनें अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए सुबेरे और शाम सूर्यास्त और सूर्योदय का इंतजार करती थी, कैसी जिंदगी जीती थी। क्यों नहीं देश के नेताओं को यह ध्यान में आया और क्यों मोदी जी का इंतजार करना पड़ा जिनके आने के बाद 12 करोड़ इज्जत घर देकर 12 करोड़ महिलाओं और परिवारों को इज्जत देने का काम किया, यह है बदलता भारत। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आपनो राजस्थान सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान के दौरान जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा प्रयास है कि संकल्प के साथ नए समृद्ध राजस्थान की कल्पना को साकार कर सके। इसके लिए हम आपकी राय, दृष्टि और सोच जानने के लिए आपसे सुझाव मांग रहे हैं। जैसे राजस्थान के हनुमानगढ़ में सेम की एक बड़ी समस्या हुआ करती थी जिसमें किसानों के खेत का पानी बाहर फैलता था और किसान परेशान रहते थे। हमने किसानों से बात की तो उन्होंने अपनी समस्या बताई और हमने उसका समाधान किया। और आगे क्या कुछ कहा उन्होंने देखी। मुझे याद है कि जब भी चुनाव अपने होते हैं तो हम लोग घोषणा पत्र लिखते हैं। उस घोषणा पत्र के अंदर हम वो चीज डालने की कोशिश करते हैं जो हम समझते हैं, सोचते हैं आप चाहते हो। एक समय था तब जब हम ही सोचते थे और उसको लिखते थे। पिछले चुनावों में हम लोगों ने कोशिश की कि आपके बीच में हम जाएंगे, आपके इलाके में हमारे मौजूद कार्यकर्ताओं के साथ हम बैठेंगे और उन कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर उनसे पूछेंगे कि इस क्षेत्र के अंदर कौन सी चीज़ है जिस चीज़ को अगर हम घोषणा पत्र में डालते हैं, 5 साल सरकार हमको मिलती है, तो उस 5 साल के अंदर कौन सी चीज़ है जो आप चाहते हो हम कम्प्लीट कर सकें। तो मुझे याद है जब हनुमानगढ़ जाने का हुआ तो सबने मेरे को खेत पे ले जाके बताया, ये देखो पानी सब दूर पानी फैल रहा है, हम लोग खेती कर नहीं पा रहे हैं, ये खारा पानी है और इसकी वजह से कई हजारों बीघा हमारी बिगड़ चुकी हैं। सेम कहते हैं इसको और इस सेम से हमारे को छुटकारा चाहिए, इसकी मदद आप करवाएं। मुझे याद है कि उसको हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र के अंदर डालने का काम किया और आप लोग हनुमानगढ़ के जो भी यहाँ बैठे हुए हैं आप लोग जानते हो कि हम लोगों ने उसको स्टडी करने के और जब सरकार अपनी बनी तो करोड़ रुपए वहाँ लगाकर उस सेम की बीमारी को ठीक करने का काम किया। जहाँ लोगों ने कहा, जैसे हमारे ईस्टर्न राजस्थान की तरफ जब हम गए, ये तो पूरी कहानी थी सब पूरे डिविजन्स के अंदर, परंतु जब ईस्टर्न राजस्थान में गए तो ईस्टर्न राजस्थान वालों ने कहा कि हमारे यहाँ तो बिजली की बहुत हालत ख़राब है, ऐसा इलाका है जहाँ रोड भी नहीं बने, जहाँ इतने सालों से कोई आता भी नहीं है देखने को। ये मानते हैं कि एक ऐसा इलाका है जहाँ हमको किसी चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ अगर आप रोड बना दो, यहाँ अगर बिजली दे दो, यहाँ अगर पानी दे दो तो पहली बार ऐसा होगा और ये क्षेत्र आपका ऋणी ही नहीं, ये क्षेत्र फिर आपका अपने आप को अपना आपका परिवार जैसे मानेगा। यहाँ वो भी बैठे होंगे, मुझे याद है कि सपोटरा के अंदर मुझे कहा, यार रोड क्यों बना रहे हो,
मैंने कहा सपोटरा के लोग जुड़ेंगे कैसे जब आपने मांग की है, और अगर हमने वहाँ रोड बना दिया तो कल वहाँ के रोड भी तो सोचेंगे कि कोई और है जो हमारे बारे में सोचता है। यहाँ खाली बदमाशी करने के लिए एमएलए नहीं बनता, यहाँ काम करने के लिए भी एमएलए बनता है। सपोटरा का रोड बना, गंगापुर से निकला पानी, हम लोगों ने कोशिश की बामनवास तक वहाँ पहुँचाया, आपके वहाँ बावली में पहुँचा, जहाँ बावली में था ही नहीं पानी इतने सालों से। बहुत सारे इलाकों के अंदर पानी जब पहुँचा तो लोगों ने कहा कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी ने जो उसके अंदर लिखा था वो करके हमको दिया। वादे बहुत आसान होते हैं भाइयों करने में, और जब कांग्रेस वालों से जब हम मिला करते थे, कई सालों की बात है, तो मेरे को ये कहते थे कि आप लोग क्यों इस चीज़ में फंसते हो, सच बोलने की ज़रूरत थोड़ी है, राजनीति तो ऐसी है जिसमें दो चार झूठ बोल देने चाहिए, और दो चार झूठ बोलने के बाद जब सरकार अपनी आ जाती है उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। हमने तो हमेशा उनको कहा कि जो हम कहते हैं उसको हम करके दिखाएंगे, हमारी आदत नहीं है ये काम करने। जयपुर में हुए रोड रेस के मामले में सरकार के रवैये से हिंदू संगठन खुश नहीं है। जयपुर में रोड रेस मामले में मृतक इकबाल के परिवार को दिए गए मुआवजे को लेकर सियासत गर्म हो गई है। हिंदू संगठन ने इकबाल के परिवार को 50 लाख के मुआवजे को गहलोत सरकार का मुस्लिम तुष्टिकरण बताते हुए हमला बोला है। आज इसे लेकर जयपुर बचाओ समिति ने धरना प्रदर्शन किया, देखिए ये वीडियो। आपकी रक्षा की धारा लगाई जाए, आपका समर्थन है, दोनों हाथ उठाकर पीछे तक पूरा हाथ उठाकर, भारत माता की, इधर से भी समर्थन चाहिए, इधर से भी चाहिए, भारत माता की। तीसरी मांग है 29 सितंबर 2003 की संपूर्ण घटना की निष्पक्ष जांच की जाए, हमले किए जा रहे हैं, निर्दोष व्यक्तियों को तत्काल रिहा किया जाए, भेदभाव किया जा रहा है, पुलिस हजारों वर्ष पुराने मंदिरों के उनकी पार्किंग आठों के आठों निर्दोष हैं, और बड़े अत्याचार जुलम तत्काल जांच हो, उनको मुक्त किया जाए, हमारे साथ भी बाड़मेर के दोनों हाथ में मुठियां बंद करके जय श्री राम बोलेंगे, जय श्री राम, भूमि बचा, जय श्री राम, प्रशासन की छाटकार छोटी बात है, और भू माफियाओं की छाटकार किया गया। आज इस घटना के बाद में जिन कांग्रेस कर रहे हैं न्याय नहीं हो रहा है, तत्काल कार्रवाई की जाए, सरकार से परेशान है, जय श्री राम, न्याय नहीं मिल रहा है, पूरी मौत को बुलाना, आमंत्रण देना, आओ उधर से, आओ उधर से, आओ बाजारों को तोड़ दो, भूसा घर के अंदर छोटे छोटे बच्चों को कौन सा संस्कार दे रहे हैं, राजस्थान सरकार से भी यहाँ रहने वाला मुस्लिम समुदाय यही कहता आया है, हमको सबको यही रहना है, आत्मीयता से रहना है, ये कौन सी बात सिखा रहे हैं बच्चों को, आगे की आईडी बनाई जाए, आपकी डिमांड है 50 लाख जो दिए गए उससे जयपुर के सारे सिस्टम को बिगाड़ दिया, मुआवजा दिया जा रहा है, किसी का पता नहीं कौन है, अब एक बच्चा ने कहा सर्व समाज के लोग, कर्माचार्य, व्यापार संगठन अधिकारी संपूर्ण जयपुर के यहाँ उपस्थित हैं, पूरे राजस्थान के व्यापार संगठनों का इसमें समर्थन है, काम है कि पिछले दिनों जो घटनाएं घटित हुई है वो पीड़ित परिवार को चक्कर काटने धारदार हत्याएं की है, वो कितनी हत्याएं जो की एक समाज के लोगों ने, जिहादियों ने, आतंकवादियों ने, कहां से आया आराम से घूम रहे हैं, सरकार को 50-50 लाख रुपए सरकारी नौकरी और दे रही है, हमारी यहाँ पर इस मामले में सरकार की मांग है, आज ये आंदोलन इसलिए है कि सरकार समझ जाए, समझ जाए जिस प्रकार से वो पोकट खाते हुए दुर्घटना घटने की बात कर रही है, हम लोगों का विरोध है, जो पीड़ित परिवार बेचारे बार बार धक्के खा रहे हैं, परिवार जी यहाँ पे कोई जो यहाँ का नहीं उसको बाहर भेजा जाए, आती हो गई है कि यहाँ व्यापारी के लोग बैठे की घटने में आ रहे हैं, जिहादी मारपीट कर रहे हैं, या टूरिस्ट आता है सरकार क्या सुरक्षा दे रही है, खुलेआम घूम रहे हैं पूरी रात इस चौकों पे, ये जिहादी घूमते हैं, उत्तर मचाते हैं, गली मोहल्ले में माता बहनों को आते जाते परेशान करते हैं, आज ये स्थिति है की परपोते में लोग एक तरफ पलायन भी हो रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन है, ये आज यहाँ सभी मांगों को लेकर अब तक की जितनी घटनाएं उनको लेकर यहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं, अगर सरकार को चेतते नहीं, समझते नहीं, मानते नहीं, तो ये माने पूरे राजस्थान में आंदोलन लोगों के लिए।
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। बुधवार को लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आबकारी घोटाला मामले में दायर चार्जशीट में आप सांसद संजय सिंह का भी नाम था। इसी मामले में बुधवार सुबह ही ईडी ने उनके घर पर छापेमारी की थी। अमेठी का संजय गांधी अस्पताल बंद नहीं होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें अस्पताल की सभी सेवाओं को बंद कर दिया गया था। अस्पताल बंद करने का फैसला लापरवाही की वजह से एक मरीज की मौत हो जाने के बाद लिया गया था। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।